अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड भी मौतम वगैरह में खुश आमदे। नवाज शरीफ साहब के साथ डील खत्म, एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी मुतहद हो गए। हकीकत क्या है? लंदन में कौन सा अहम फैसला होने जा रहा है? सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। और ये सवालात पैदा हो रहे हैं खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अचानक चाचू शहबाज शरीफ साहब एक महीना लंदन में गुजार कर कैंसर फ्री सर्टिफिकेट लेकर पाकिस्तान पहुंचते हैं और यहां पर 48 घंटे भी नहीं गुजारते, जहाज पकड़ते हैं और फिर दोबारा लंदन की तरफ प्रवास कर जाते हैं। और अगली ही फ्लाइट में उनकी रवानगी के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी लंदन की जानिब कूच करती हुई नजर आती हैं। तो सवालात पैदा होना बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है, और अगर शख्सियात की तरफ से कुछ ऐसे हैरान कुन इकदाम किए जाएं तो फिर सवालात भी पैदा होते हैं और वाओं का बाजार भी गर्म होता है, जिनका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जो डील थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खत्म हो गई। आसिफ अली जरदारी साहब जो और उनकी जमात जो मुस्लिम लीग नून पर मुसलसल अटैक किए जा रहे थे, इस तरह लगता है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, दोनों सेम पेज पर आ गए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो एकदम से चलना शुरू हो जाती हैं। और खुद मुस्लिम लीग नून जब इन अफवाहों के ऊपर या इस तरह की इतलात के ऊपर जो है वो एडिड फ्यूल टू फायर, जल्दी पर तेल डालेगी तो फिर पंपड़ मचेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर इस बात के इशारे मिले कि जनाब कुछ गड़बड़ है तो फिर जो है वो और ज्यादा एक जिसे हम कह सकते हैं कि बदहवासी आपका पैदा होना खुद मुस्लिम लीग नून के रैंक्स एंड फाइल में ये बिल्कुल बईदस क्यास नहीं है। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है जवेद लतीफ़ साहब, उन्होंने तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया और मेरी कल की खबर की तस्दीक कर दी कि जनाब मियाँ साहब का अब जो है वो किसी तरीके से कोई जो इस्तकबाल शस्तकबाल है वो नहीं होगा। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि पैन एयरपोर्ट आने की लोड़ कोई नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे, जहाज से उतरेंगे, एयरपोर्ट से उबर कराएंगे, उबर पे बैठेंगे, जनाब जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मीनार पाकिस्तान पर पहुंचने के बाद वो जलसा करेंगे, आप अपने घर चले जाना, मियाँ साहब अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि लाहौर में शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम के अंदर किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो पैदा नहीं करने चाहिए। यानी वो ऑप्टिक्स जो चाहिए हैं मुस्लिम लीग नून को, खुद मुस्लिम लीग नून उन ऑप्टिक्स को हासिल करने के लिए नाकाम नजर आती है और इससे इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि जनाब खुद मुस्लिम लीग नून को ही इस बात का यकीन नहीं है कि वो लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था वहां से नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लोगों को निकाल पाएंगे। इस सिनेरियो के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा बरतानिया जाते हैं, लंदन जाते हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, तो फिर सवालात पैदा होना बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। इस सिनेरियो में ये बात बताई गई है मुस्लिम लीग नून के जराए ने कि इनफैक्ट कल इजलास होने जा रहा है लंदन में, और आज जो है वो मरियम साहिबा भी और शहबाज शरीफ साहब भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मोस्ट प्रोबेबली लंदन लैंड कर चुके होंगे और वो अपने अपने जो इवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। कल जो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरियम साहिबा हैं, इनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से, और इस मीटिंग के अंदर सिर्फ ये तीन शख्सियात ही मौजूद होंगी, हत्ता के इसके अंदर जो समदी शरीफ हैं जनाब इसहाक डार साहब वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो सवालात हमने गुफ्तगू के आगाज में शुरू किए थे, पूछे थे, उन सवालात का जवाब तलाश किया जाए, क्योंकि इस हवाले से बहुत ही ज्यादा जो इस वक्त जो गैर मुसद्दका चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा जेर गर्दिश हैं। असल बात क्या है, इसको तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब आए, पाकिस्तान पहुंचे, लाहौर आए, लाहौर में अगर उन्होंने कुछ वक्त अपना फैमिली के साथ गुजारा, कुछ देर आराम किया, लेकिन उसके बाद वो अचानक लाहौर से निकलते हैं और वो गुजरांवाला पहुंच जाते हैं, जो लाहौर के एक करीबी शहर, जो लोग पंजाब को और लाहौर गुजरांवाला के दरमियान चीज़ें जानते हैं उनको पता ही है कि लाहौर से गुजरांवाला को इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब का गुजरांवाला ऑफिशियली जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के कुछ जिम्मेदारान को ये बात बता कर गए हैं कि वो गुजरांवाला जा रहे हैं, लेकिन गुजरांवाला जाकर शहबाज शरीफ साहब ने किसी पार्टी मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं की, किसी अपने जो नून लीग के लीडर हैं इवन खुर्रम दस्तगीर साहब उनके साथ भी मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब खामोशी से अगर गुजरांवाला जा रहे हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जाकर उन्होंने शहबाज तके पर जाके चिड़े खाने हैं या चांपे खा के वापस आ जाने। शहबाज शरीफ साहब अगर गए हैं
तो इसका मतलब यह है कि वो किसी काम से गए हैं, और वो काम कहां था ये किसी को नहीं पता चल सका कि शहबाज शरीफ साहब कहां पे गए थे। लेकिन गुजरांवाला से वापसी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनके सेक्रेटरी साहब जो एक सीट है लाहौर से लंदन के लिए वो बुक कर देते हैं, तो फिर इस बात का इम्कान पैदा हो जाता है कि गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब की कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और या मुलाकात हुई है किसी अहम शख्सियत से, और उस अहम शख्सियत ने जो है बावर कराया है मियां साहब को कि जाओ जाके बड़े मियां साहब ने दसो कि डू नॉट प्ले विद द फायर, आग से मत खेलें, आग से खेलेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, हाथ जलेंगे तो वो इकतदार में आने के ख्वाब वो भी जल जाएंगे, क्योंकि ये आग आपके अपने दामन में लगेगी और इसके बाद आपका भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साथ अपनी मुमकिना वज़ारत-ए-उस्मा को बचाने के लिए लंदन गए हैं, और उनका लंदन जाना बुनियादी तौर पर उस नैरेटिव के रास्ते में रुकावटें पैदा करना है जो नवाज शरीफ साहब ने जिसकी बुनियाद रखी थी, और सिर्फ एक तकरीर ने बहुत सारे लोगों के जो नींदें हैं वो हराम करके रख दी थी, क्योंकि उस तकरीर के अंदर एक जानिब मुहासबे का मुतालबा किया गया है चंद रिटायर्ड जनरल्स और चंद रिटायर्ड जजेस का, और उसके साथ साथ एक हाजिर सर्विस जज यानी मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के भी मुहासबे का मुतालबा किया गया है, और यह मुतालबा यकीनी तौर पर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यह बात बड़ी लॉजिकल है। देखें, अगर ऐसा कर दिया जाए नवाज शरीफ साहब के मुतालबे के ऊपर के जनाब जनरल फैज और जनरल बाजवा का एहतसाब किया जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि कल जनरल आसिम और जनरल नदीम इन दोनों के भी मुहासबे की गुंजाइश पैदा हो जाएगी, या माजी के अंदर भी जो जो आर्मी चीफ इशफाक परवेज कियानी साहब का भी और जनरल मुशर्रफ के भी मुहासबे की, इस तरह की हर एक जगह पर आपको मुहासबे की जरूरत पड़ जाएगी। और यह तो मुमकिन नहीं है कि हमारे जो मौजूदा सेटअप के अंदर इस्टैब्लिशमेंट अपने आप को 100% इस सियासत से पुल बैक कर ले, मुमकिन नहीं है। लिहाजा किसी न किसी मौके पर ये जो हमारे जनरल्स हैं, हमारी जो इस्टैब्लिशमेंट है, इनकी तरफ से सियासत के अंदर मुदाखलत की गई है, ये बुनियाद डल जाएगी तो उनके रास्ते रुक जाएंगे। वो अपने रास्ते कैसे रुकवा सकते हैं, मुमकिन नहीं है। लिहाजा रास्ता हमेशा से रोका गया है किसका, सियासतदानों का, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप का, और ये पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप का रास्ता रोकने के लिए जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के दाएं बाएं एस्टैब्लिशमेंट के लोग मौजूद होते हैं वही रोल प्ले करते हैं। अब अगर आप इसे एक मिनट के लिए फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो मुतालबा किया है, ये जो बयानिए की बुनियाद रखी है, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ने जाना है, और मुमकिन तौर पर वो इलेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या सेकंड वीक ऑफ फरवरी में होना करार पाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने जाकर लोगों से क्या कहना है कि जनाब 16 माह मेरे भाई की हुकूमत रही है, बड़ी ही नाकस गवर्नमेंट थी, बड़ी ही खराब गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने आपका जीना दो भर कर दिया, लेकिन अल्लाह का वास्ता सन वोट दे दो, कौन वोट देगा इस बात पर, कौन उड़ देगा कि जनाब हमने जो है 16 महीने मेरे भाई की हुकूमत थी, मेरे साथ पाकिस्तान भर की तमाम जमातें इस इक्तदार में मौजूद थी, लेकिन हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, अल्लाह का वास्ते हमें वोट दे दो, कहेंगे बाबा माफ कर, क्योंकि यही इसका लॉजिकल जवाब बनता है। सियासत के अंदर मिन्नत तल्ले गुंडों को हाथ लगाकर टॉप टीयर लीडरशिप की तरफ से वोट नहीं मिला करते। ये गली मोहल्ले की सियासत के अंदर ऐसा हो सकता है, काउंसलर लेवल की पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि जनाब आप जाएं गुंडों को हाथ लगाएं, ठोडी को हाथ लगाएं, यार अल्लाह का वास्ता वोट दे दे, तो बंदा वोट दे दे। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में इस बात की गुंजाइश नहीं होती। नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में आपको ठोस जो है ना मौकफ, उसके साथ मंजरे आम पर आना पड़ता है, उस मौकफ के इर्द गिर्द आपको जो है वो लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर आपको उस वेव लेंथ को मजीद बढ़ाना पड़ता है, अपने नैरेटिव के अंदर मजीद तेजी लाकर, मजीद सख्ती लाकर, उसके दायरे के अंदर मजीद जो है वो लोगों को शामिल करते हुए ये जो एजिटेशनल नैरेटिव है इसको आपने कन्वर्ट करना होता है इलेक्टोरल नैरेटिव के अंदर, और उसके बाद आपने इलेक्शन में उतरना होता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप मिन्नत तल्ले के नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन में चले जाएं। अब अगर ये मुतालबा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से
शहबाज शरीफ साहब से किया गया है, तो ये बात जो है नवाज शरीफ साहब को समझाना मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मरियम साहिबा का लंदन जाना ये भी बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। आपको याद होगा ये थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तकरीबन 3 दिन पहले ये बात खबर दी थी कि मरियम साहिबा की अचानक इस्लामाबाद रवानगी हुई थी और अचानक उनकी इस्लामाबाद जाने के पीछे कुछ मुलाकातें थीं जो तय थी, और उन मुलाकातों में भी उनको यही बात बताने की या मशवरा देने की कोशिश की गई थी कि हार्ड लाइंस मत लें। और उस मशवरे के बाद जो पहला मीटिंग हुई वहां पर जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से हार्ड लाइन ली गई, लिहाजा इन दोनों का वहां पर जाना बहुत ही हद तक मानी खेज है। दूसरा लंदन, लंदन में जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान के माइंडसेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनका इस सिचुएशन में पाकिस्तान आना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इस नैरेटिव के साथ जो है वो बेनिफिशरी होगा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की फ्लक्चुएशन हो रही है, और नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आते हुए अगर इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो मरतबा कम अज़ कम पेट्रोलियम की जो कीमत है उसका तायुन होना है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि वो इसका भी जिम्मेदारी किसी न किसी जगह पर फिक्स कर सकते हैं और अपने नैरेटिव के अंदर इस चीज़ को फिट इस तरीके से करेंगे कि जनाब ये हंसते भंसते चलते फिरते जो है ना पाकिस्तान के रास्ते में ये रुकावटें पैदा की गई। देखें अभी जब से निगरान आए हैं क्या होगा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, तो वो इनफैक्ट जो टारगेट है वो निगरानों को नहीं कर रहे होंगे बल्कि वो टारगेट उन तमाम कुवतों को कर रहे होंगे जिनके साथ उनकी डील का जो है वो तस्का मिल रहा है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लंदन के जराए ने इस बात को मेरे साथ कन्फर्म किया है कि जनाब ये वाली चीज़ ज़ेरे गौर है, और वो है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के प्लान में तब्दीली, और ये तब्दीली बहुत ही ज़्यादा मनी खेज है क्योंकि तारीख में तब्दीली एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट को कोरिलेट कर देगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान हमने किस तारीख को ऐलान किया था, 21 अक्टूबर को। नवाज शरीफ साहब अब उस प्लान से तकरीबन 9 दिन पहले 10 दिन पहले पाकिस्तान आने का प्लान बना रहे हैं, किस तारीख को, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ फौजी बगावत हुई थी और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को का तख्ता उलटकर जनाब परवेज मुशर्रफ जो है वो इक्तदार पर मुसल्लत हो गए थे और इस मुल्क पर उन्होंने डिक्टेटरशिप जो है वो नाफज कर दी थी। नवाज शरीफ साहब की ये जो तारीख का तब्दीली है 21 से 12 अक्टूबर, ये भी इनफैक्ट एक पैगाम है कि वो पाकिस्तान में इस वक्त भी किसी डिक्टेटरशिप या किसी आमरियत या किसी फस्ताइयत का मुकाबला करने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इस सिलसिले को भी वहीं से जोड़ेंगे जहां से ये सिलसिला टूटा था। इसका मतलब यह है कि कल होने वाली बैठक दो इंपॉर्टेंट इश्यूज का तायुन करेगी। नंबर वन, नवाज शरीफ साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले राबते और कनेक्शंस थे, क्या वो बरकरार रहेंगे या वो टूट जाएंगे, और अगर वो बरकरार रहेंगे तो क्या नवाज शरीफ साहब अपने जो बयानियां है उसके अंदर लचक लाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की गारंटी देंगे कि वो इक्तदार में या उनकी जमात इक्तदार में आने के बाद दो रिटायर्ड जनरल्स और 5 जो है जज साहिबान रिटायर्ड या हाजिर सर्विस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब ये कमिटमेंट देंगे तब नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के लिए कोई रास्ता हमवार होगा, अगर नवाज शरीफ साहब ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी एक अग्रेसिव नैरेटिव पर होगी। अग्रेसिव नैरेटिव का मतलब ये होगा कि आते साथ ही नवाज शरीफ साहब को किसी तरह की कोई पॉलिटिकल रियायत नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पर ऑलरेडी उनको, ये बात भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको रैली निकालने की इजाजत ही नहीं दी, उन्होंने कहा जनाब खबरदार आपने कंटोनमेंट एरिया के अंदर पॉलिटिकल लोगों को बुलाया। इसका मतलब यह है कि ये एक
सर्द मोहरी मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब अपने ओरिजिनल नैरेटिव के साथ वापस आएंगे तो फिर न जलसा होगा न रैली होगी, नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया जाएगा और कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। और ऑलरेडी जनाब उमर अताब बंदियाल साहब की तरफ से जो फैसला आया था उस फैसले के बाद आज तमाम तर जो रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों से मुकदमात का मंगवाया गया था वापस नैब में, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड ट्रकों में भरकर मुतलका एहतसाब अदालतों में भिजवा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब को यह बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम हो गई जानी चाहिए कि जरा वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल मुकदमात और गिरफ्तारी के साथ हो सकता है अगर वो इसी नैरेटिव पर बरकरार रहे जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख का तायुन होगा। अगर नवाज शरीफ साहब अपनी 21 अक्टूबर की तारीख पर कायम रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो डील या पेशकश शहबाज शरीफ साहब लेके गए थे उस पेशकश को नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर 12 अक्टूबर की तारीख का फैसला हो जाता है और नवाज शरीफ साहब 12 तारीख को वतन वापस आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दमदम मस्त कैलेंडर होगा और यही नवाज शरीफ साहब का मास्टर स्ट्रोक होगा अपनी और पार्टी की पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए। और इस तरह का जो जुआ है शायद वो नवाज शरीफ साहब को मौजूदा हालात में सूट करता है अगर वो खेल पाए तो। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।